नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज दिन है सोमवार का और 6:30 बज गए और सवेरा ही सारे उठ गए। वैसे तो छुट्टी है, बच्चों की ऑनलाइन क्लास है, लेकिन आज सवेरा इसलिए उठे, कन्हैया जाएगा गाँव में। कन्हैया बिल्कुल तैयार है गाँव में जाने के लिए। इसके लिए दोस्तों नाश्ते पानी की तैयारी होगी सारी। और किस टाइम है तेरी ट्रेन भाई? 7:40 पे जी, 7:40 पे इसकी ट्रेन है और ये निकलने वाला कालका से कालका से। क्या क्या दे दिया इसे? इसे दिया अपनी पुरानी रेसिपी पराठा और अचार। इसने सब्जी बिना कर दी थी और अभी खाया नहीं, कह रहा कि अभी भूख नहीं है, बस ट्रेन में ही खा ट्रेन लूंगा। में तो फिर मैं खाऊंगा। इसको पराठे और अचार दे दिए, चाय ले लगा वहां पे तो चाय के साथ खा लगा। चलो ठीक है, तो ये मैं बस इसे छोड़ने जा रहा अब कालका। कन्हैया का ना बहुत दिन से मन कर रहा, थोड़े दिन हो जाना इसे जाए वे तो फिर ही परेशान से हो जा, क्योंकि तेरे घर जाने का मन करे बस। फिर कहीं और तो हमारा लगता नहीं टूर, सीधा गांव में ही होता है। फिर कह रहा का एक दो दिन से ऐसा लग रहा था कि मुझे कहीं जाना, तो फिर कहीं क्या जाना, हमारा गांव में ही जाना होता है। चल घूम लिया, महीने 2 महीने में इसका चक्कर लग जा। तो जी कन्हैया चल दिया है, क्या दिन का टूर है तेरा, तन्ने नूब नहीं बताया। 3-4 दिन तक, चलो तीन चल, चार 5-4 दिन लगाया, ये जब जावे 2-4 दिन तो रहो ही कम से कम। चल ठीक है, मम्मी को नमस्ते कहिए और फोन कर दिए पहुंच के। ठीक है, नमस्कार जी व्यूअर्स। और अभी तो देखे बिल्कुल अंधेरा हो रहा बिल्कुल, क्योंकि 6:30 बजे अभी तो रोड में कोई भी नहीं दिख रहा। नमस्ते, कुछ भी नहीं दिख रहा रोड में, तो लाइट भी नहीं जल रही कहीं सी पूरी गली में। और मेरा सारा काम हो चुका है घर का, नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया, क्लीनिंग कर दी किचन की भी बाहर की भी सारी। और आंटी अभी आई नहीं, थोड़ी देर में आ जाएगी, आने वाली है, बस इसी टाइम आती है तो मैं आके कर देंगी झाड़ पोछा। और आज बच्चों की क्लास चल रही है, बच्चों की चल रही है ऑनलाइन क्लास लगी हुई है, एक इस रूम में और एक इसमें, दोनों एक जगह नहीं बैठती, दोनों की दोनों अलग अलग बैठती है, फिर मेरा काम डिस्टर्ब हो जाता है सारा। होगी क्लास? एक तो होगी अभी आगे है और। अच्छा चलो, एक की तो होगी, दूसरी की भी पूछ लूं। और इनकी क्लास 9:30 बजे स्टार्ट हो गई थी आज, 9:30 बजे तैयार होके बैठ गई थी। फर्स्ट क्लास होगी होगी अब सेकंड किस टाइम है? सेकंड कितना टेन टाइम रह गया? ट्वेंटी फाइव 10 मिनट रह गई, 15 हो गए ना? नहीं 18 हो रहे, 18 हो गए। किस चीज की हुई अभी क्लास? तो बीच बीच में फिर फोन देख लो जब तक टाइम हो है। तो बीच बीच में जब टाइम मिलता है तो फोन देखना शुरू कर देती है। तो और इसके पापा अपना दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, मैं ऑफिस में चले गए थे बेबी नाश्ता करके, ये बैठे यहाँ से। यहाँ तो नहीं आवाज आ रही, बाहर ठंड लग रही। यहाँ तो हाँ, उधर रूम में तो ठंड लगे वरना पूरी, यहाँ तो निवाद सी आ जाते बिल्कुल। वो भी पास ही हो जा, कुछ जाड़ खुल रहा ऊपर, यहाँ तो ये बिल्कुल बंद हो जा, इसलिए ठीक सा आज तो ऑफिस में अकेले ही हो। कन्हैया भी जा लिया, नीरज भैया भी अपनी ड्यूटी लगा कर जा लिया, क्योंकि कन्हैया के बिना वे काम नहीं कर सकते। कन्हैया नहीं होता तब तक मैं काम रुक जा, सबकी छुट्टी हो जा, 4-5 दिन रेस्ट करो। ठल्ली से जाएंगे नहीं, गुड्डू की अगर क्लास हो जाएगी वो बनवा देगी वीडियो। हाँ गुड्डू की तो 1:30 बजे तक है क्लास, दोनों उनकी तो क्लास चल रही। तो जब भैया काम करेंगे तभी सबको काम मिलेगा, और भैया जब करेंगे जब कन्हैया होगा। तो जी खैर, मैं भी अपना थोड़ा सा कर लूँ अब एडिटिंग वगैरह जितना भी टाइम, आज तो मेरा काम जल्दी सा ही हो गया थोड़ा, आंटी क्योंकि कह रही आज थी सवेरा आऊंगी, आई है नहीं। आई नहीं अभी तक भी, 10:30 हो गए, और आज यूँ कह रही थी कि आज मैं 9:30 बजे आ जाऊंगी, इसीलिए मैंने जल्दी कर लिया आज काम। चल आ जाएगा और बेचारी वैसे सो भी जाए। आज जल्दी भी उठ गए थे, फिर मेरा व्रत भी है, फिर मैं नहा धो के पूजा करने मंदिर भी चली गई थी, और आज मंडे है ना तो मंडे का मैं व्रत रखती हूँ। और बस नाश्ता भी फिर जल्दी जल्दी, जब जल्दी उठते हैं तो और जल्दी हो जाते हैं सारे काम। और और कन्हैया तो फ्रेंड्स खिल मैं गया आपको होगा, बता दूं, अब से व्लॉग हमारे कुछ नए स्टाइल में होंगे,
थोड़ा सा काम मिल गया हमें। अब पहले हमने सोच रहे थे क्या करें क्या करें, तो छत पर हमने वो करवा दिया, क्या फरसा करवा दिया। अब वहां का प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा हमारा, और वो प्रोजेक्ट क्या होगा वो आपको तभी पता लगेगा जब वीडियो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम रोज सोचा कर नहीं फिर बोल जाए या फिर कुछ काम नहीं कर जा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक ठंड इतनी ज्यादा हो रही, तो ठंड में ना सुबह ही आधा दिन तो ऐसे ही निकल गया। आज भी कोहरा इतना ज्यादा था, सुबह 7 बजे कुछ भी नहीं दिख रहा था, अभी भी हल्की सी धूप निकली, ज्यादा नहीं, मैं अभी ऊपर गई थी, थोड़ी थोड़ी सी धूप निकल रही, ठंड हो रही बहुत, ठीर पड़ रहा बिल्कुल हाथ भी, खाना बनाओ या कुछ करो ना चलते नहीं, काम की तरफ ही लग गया, बस झंडा लग रहा हाथों को पूरा। चलो करो आज कुछ बनाऊ खाने खुने में, अब तो खाई ली, दोपहर का क्या कुछ स्पेशल अभी बनाएंगे, रुक जा। अच्छा चलो जी फिर मैं भी करती हूँ अपना काम। दोपहर का टाइम हो गया और आज मैंने खाना नहीं बनाया, मेरी छुट्टी हो गई है खाना बनाने की, वो इसलिए क्योंकि इंदु का फोन आया था, आज उसने हमारी दावत कर रखी, देखते हैं क्या बनाया उसने, बस बच्चों की वेट थी, तो बच्चों की क्लास चल रही थी इसीलिए वेट कर रहे थे। वैसे तो उसका फोन लगभग 11 बजे से आ गया था कि आ जाओ, तो मगर ना ये अभी बच्चों की जब क्लास हो जाएगी तभी आएंगे, तो अभी अभी इनकी 1 बजे ही फिनिश हुई है, बस ये तैयार होने लग रही दोनों बहनें, और चलते हैं। गुड्डू अपने चाचू को बोल दे मैं थारी वेट कर रहे हैं, इसके चाचू यहीं पे ही हैं, काफी देर के आ रहे, काम कर रहे ऑफिस में अपना कटिंग वगैरह, तो वे ही नहीं की वेट में कि इनको लेकर जाऊंगा, तो इनकी क्लास चल रही थी, पूछ रहे थे कि होगी क्या, अभी मैं गई थी पूछ रहे थे मैं तुम्हें, चल बोल दे उनको चाचू चलो, तो चलते हैं हम उधर, उधर ही जाके मिलेंगे, देखते हैं आज क्या राशन पानी बन रहा हमारे लिए। तो हम पहुंच गए थे उधर और इंदु देखिए यहाँ पे राशन बनाने में लग रही है, आज वो बना रही है पकौड़ी, और बच्चों को तो इतनी पसंद है पकौड़ी, और हमारे इधर यूपी में बहुत पसंद करते हैं जो पालक की और आलू की पकौड़ी होती है, सब खूब चाव से खाते हैं। तो पहले तो मैं उसके साथ बनवाने लगी थी, मैं कलाओ बनवा दूं, लेकिन फिर मैंने देखा, मैं कहा चलो सबको दे दूं, क्योंकि बच्चे परेशान हो रहे थे, तो इधर चाय रख दी थी इंदु ने, तो मैंने कप वगैरह धो लिए हैं और अब लगा दूंगी चाय। यहाँ चाय मैंने बना के तैयार कर दी कुल्लड़ वाली, बना के तो इंदु ने दब दी थी, बस पका दी मैंने, और बस अब सबको दे देती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत उत्सुक हो रहे खाने को, भूख का टाइम हो रहा और खाने का भी टाइम हो रहा, बस पूरे एक्साइटेड हो रहे कि दे दो बस फटाफट, और इंदु बना रही है पकौड़ी और मैं दे देती हूँ सबको। Up in my brain, all of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you garma garam pakodi. Kisale ni garma garam pakodi. कहाँ की, हमारे उधर यूपी में बेटे गरम है कृष्णा, हमारे यहाँ यूपी में कहाँ की फेमस है वे, जब हाँ जोली ग्रांट जा रहे रास्ते में मैं कहाँ की वे, कहाँ की बिहारीगढ़ की पकौड़ी बहुत फेमस है, तो आज उन्हें भी फेल कर दी, देख लियो चाहे देख के ही लग रहा, सकल तो ही खाई तो मैंने नहीं, क्या कितना मजा आया यार, हुई कितना मजा आया यार यीशु को, बेटे ठंडी ठंडी तो कर ले बाबू, पहले अख मिर्च लग रही तो यहाँ तो सब खा रहे हैं पकौड़ी, और मैं लेके आ गई हूँ अपना राशन, इसके सामने सब कुछ फीका, अब ताकत मारे परिवारी चीज है देख लो चाय तो मैं अमरूद लेके आई, अमरूद खाऊंगी और फिर पीऊंगी चाय, आज मैंने चाय भी नहीं पी, तो जी आ जाओ आप भी, हेल्दी फूड खाना या फिर जंक फूड खाना वो आपकी मर्जी है, दोनों मिल गए आज यहाँ से। कृष्णा नीचे बैठो, आ जाओ जी, पकौड़ी गर्मा गर्म बन गई है, और अब मेरा नंबर लग गया बनने का, मगर चल सबको गर्म खुआ रही तो तू भी खा ले, कम से कम यह भी खा लेगी, मैं तो खा ही नहीं रही, तो यह तो खावेगी गर्म, क्या मान नहीं रही थी, कहती नहीं मैं ऐसा ही बनाऊंगी, मगर थोड़ी बहुत ही खुआ था, मैं भी करूंगा सारी अपने आप ही करेगी, नहीं अगर इसका बर्त ना होता फिर तो जी मैं करवा देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं, बर्त करके काम नहीं करते, फिर भी अरे जब मगर चल तू भी गर्म गर्म खा ले कम से कम। लो जी
तो बस मैं बना रही हूँ। ज्यादा तो मतलब थी नहीं बनाने के लिए, थोड़ी सी रह रही थी, तो मैं वो ही मैं चल तू भी खा ले गरम गरम, क्योंकि ये चीजें गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। तो थोड़ी सी जो भी रह रही थी, एक एक या दो घानी, मतलब एक दो बार डालने की कढ़ाई में, तो वो मैंने बना दी और इंदु ने भी खा ली थी गरम गरम। तो ऐसे ही जैसा अब दो जने हैं तो एक दूसरे का फायदा तो उठाना ही चाहिए, गरम गरम एक को तो मिलेगी कम से कम। ऐसे ही कर लेते हैं हम, कुछ चीज बनाते हैं, जैसा एक वो बनाती है तो मैं खा लेती हूँ और मैं बनाती हूँ तो वो भी खा लेती है। और आपको बता दूं, ये आदत हमने अपने घर से ही सीखी हुई है, अपनी मम्मी चाची ताई से, और ये आज तक भी देखो, चलो अब तो अलग रहते हैं मेरी मम्मी ताई जी, और हमने हमेशा क्या देखा है, जैसे मेरी ताई जी और मम्मी साथ रहते थे ना, और चाची जी, तो मैं हमेशा साथ ही बैठ कर खाते थे। जैसे मम्मी खाना बनाती थी तो ताई जी खा लेती थी, और ताई जी भी फिर बना देती थी तो मम्मी खाती थी। यही हमने आज तक भी, मतलब जब तक मेरी शादी नहीं हुई तब तक हमने अपने घर में यही देखा है, और अच्छा भी लगता है इस तरह, जैसा सबको खिला दो तो बाद में अपने आप भी गरम गरम खा लो, तो अच्छी लगती है ये आदतें। और हम भी सोचते हैं जितना ज्यादा भी हो सके हमसे, हम वो चीज जो भी हमने अपने परिवार से सीखा है, अपने मतलब माता पिता से, अपने घर वालों से सीखा है, वो जो अच्छी आदतें हैं हम सोचते हैं उन्हें आगे तक भी लेके चले। तो अब शाम का टाइम हो गया, मैं घर आ गई थी, आने के बाद मैंने पूजा कर ली है और अब बनाया है मैंने खाना। खाने में सबसे पहले मैंने गाय को दी है रोटी, गाय की मिठे के साथ देती हूँ। उसके बाद मैंने काना का लगा दिया है भोग, और काना को मैं सब्जी जो प्याज वाली नहीं होती, लहसुन प्याज वाली, वही देती हूँ। तो मैंने बनाई है आलू गाजर की सब्जी, और जीरे का तड़का लगाया क्योंकि मेरा व्रत है, इस वजह से जब व्रत होता है हमारा तो हम जीरे की सब्जी खाते हैं, मतलब लहसुन प्याज नहीं खाते। तो काना को भी मैंने भोग लगा दिया, और उसके बाद बस दे दिया है इन सबको। बच्चे भी यही थे, रुई पीयू और कृष्णा, क्योंकि रुई पीयू शाम के टाइम ट्यूशन आते हैं, तो मैंने खाना जल्दी बना लिया था, मैं कहा चलो खा लेंगे, और बच्चों को भूख भी लग जाती है शाम के टाइम, तो शायद 6 ही बज जाते हैं जब ये ट्यूशन से आते हैं, तो यहाँ मैंने इनको दे दिया, मैं कहा चलो आज जल्दी बना लिया था व्रत की वजह से, तो मैं कहा चलो खा लो सब खाना। तो यहाँ इसके पापा भी, सारे बच्चे भी बैठ गए, और गुड्डू अभी गई हुई थी ट्यूशन, तो मैं बनाती गई और इनको देती गई साथ साथ। तो उसके बाद फिर मैंने भी खा लिया था, अपना और काम कर लिया था। वैसे तो मैं शाम का खाना ज्यादातर जब गुड्डू आ जाती है तभी बनाती हूँ, सब्जी आटा बना के तब रख लेती हूँ, लेकिन आज बस मैं कहा चलो खा लो। तो बस अब शाम का टाइम है, वीडियो करूंगी एंड। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।